इंदौर जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी से बातचीत की, जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने अधिकारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के स्टेडियम में। यहाँ पर एक बड़ा ही नज़ारा, सुंदर नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से पूरा जो मतदान कर्मी है, जिस प्रकार से मतदान कर्मी लगातार यहां से रवाना हो रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए। और हमारे साथ मौजूद है इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी और इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी सर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुबह से ही लगातार जितने भी मतदान कर्मी हैं वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, जो पूरी व्यवस्था है, पूरी टीम की कितनी मेहनत लगी सर इसमें? नहीं, डेफिनेटली इसमें 2000 है ना कर्मचारी ना लगे हैं। इसमें सभी 9 विधानसभाओं में सामग्री वितरण के ना पर्पज़ के लिए हमारी ना सेक्टर वाइज हम लोग प्रॉपर है ना पार्टीशनिंग है। सारे 9 विधानसभा का आप स्वयं देख सकते हैं, कलर कोडिंग्स हैं, मतलब है ना हर मतदान केंद्र के लिए एक प्रॉपर है ना टेबल है। हम इस बार है ना मतलब हमारे मतदान दल का है ना भी है ना ख्याल रखा है, उनको है ना मतलब हम लोगों ने बिस्किट्स है ना हमारी लेवल से ना दिए हैं, चाय है ना मतलब है ना पीछे से अवेलेबल है, और बहुत सारे लोगों को चॉकलेट्स दे रहे हैं। हमारी है ना फर्स्ट एड किट है वो दिया जा रहा है। सो हमारा मतदान कर भी ना उत्साहित है कि एक नेशनल ड्यूटी है ना करने के लिए, ये चुनाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सामग्री को है ना प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से वितरण करें, हमारी मतदान दल समय पर है ना मतदान केंद्र पहुँचे, फिर वहाँ की मतदान केंद्र की व्यवस्थाएँ ना मतलब वो जमाएँ। ये एक चुनाव की ना पहली कड़ी होती है। मेरे हिसाब से नगर निगम की टीम से लेकर हमारी है ना इलेक्शन की टीम से लेकर हमारी रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम है, ऐसे प्रकार का 3 लेवल का है ना टीम और ट्रैफिक का टीम है ना बाहर लगी हुई है। सो आई थिंक सभी लोग है ना यही चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि मतलब है ना एक मतदान इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से हो। सर, हमारा किस प्रकार का उद्देश्य, कब तक ये जो मतदान कर्मी, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक उनको पहुँचना, महू की बात करें काफ़ी इंटरेल भी है, तो कब तक ये लोग वहाँ तक अपने जो गंतव्य तक पहुँच पाएंगे? वैसे आई थिंक ऑलमोस्ट है सेटल हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने सामग्री मिल गया है। सेक्टर ऑफिसर्स एक बार इंश्योर करेंगे 100% हो गया तो फिर अपना अपना बस के माध्यम से पहुंचेंगे, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से 3-4 बजे तक है ना सारे मतदान केंद्र अपना अपना है ना मतदान केंद्र पहुँचेंगे। वापस के जो मतदान कर्मी यहाँ पर वापस आएंगे, वापस आने के बाद से क्या व्यवस्था रहेगी? इसी प्रकार की जो अभी व्यवस्था है वैसी की वैसी व्यवस्था रहेगी, सेम टाइप का रहेगी? मतलब है ना वैसे मतलब है ना बीच का है ना एक बार बैरिकेडिंग और किया जाएगा, सो दैट एक्चुअली पोल ईवीएम्स है मतलब है ना मशीन है उसको प्रॉपरली है ना रिसीव किया जाएगा। सेम यहीं आके बैठेंगे, मतलब हमारे दल आ करके इनसे ना रिसीव करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है सर, इतना बड़ा अमला यहाँ पर लगा है, रात दिन आपकी जो टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया है, क्या लगता है कितने नंबर इस पूरी टीम को मिलना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो मतलब है ना 100% दूंगा, बिकॉज जैसे अभी है ना हम लोग विधानसभा नंबर 5 में हैं, ठीक है, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर उनकी टीम ने पूरी रात में ना बिल्कुल भी सोया नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट डे ना मतलब व्यवस्था रहती है और कल लेना पूरे दिन का मतदान का है, सो टीम हमेशा ना मेहनत करती है। मतलब हम तो सफाई कर्मचारी से लेकर है ना पानी का रिप्लेस कर रहे से लेकर हमारी है ना ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारी है ना पूरी टीम स्ट्रांग रूम्स, पूरी टीम को है ना मैं ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद मैं कहता हूँ कि मतलब अपना एक निष्ठा के साथ है ना सिंसियरिटी के साथ है ना इस काम में लगे हुए हैं। श्योर है ना मतलब मैं ऑलवेज गिव है ना 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया, जिला प्रशासन की टीम ने जिस प्रकार से रात दिन एक किए लगातार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की है, व्यवस्था की करने के साथ ही जो टीम रवाना हुई है वो टीम कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचेगी, यही उनका मानना है। इस वक्त इंदौर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।